भागने न पाए, पकड़ो। जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है हरामजादा। मुझे तक नहीं आई ससुर की, और मेरी बेटी रेशमा पर बुरी नजर डालता है, हैं? भाग कर जाएगा कहाँ? मालिक 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 मालिक, क्या हुआ? लगता है मालिक रफू चक्कर हो गया साला। उसके तो सारी गर्मी निकालनी है मुझे। जाओ पकड़ कर लाओ उसे। जी मालिक। ए, चलो रे। हाँ हाँ चलो चलो, चलो, चलो। मामला जबरदस्ती का था या रजामंदी का? ऐसा कुछ भी नहीं था, जो भी किया उसी ने किया। आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो वो मुझे मार ही डालते। उस लड़की ने क्या किया था तुम्हारे साथ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं किया था उसने। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, मैं जाता हूँ। ओ लाला, ओहो मैडम आ गई। आजकल बड़ी बन ठन कर निकलती हो, क्या पूरे शहर को शहीद स्मारक बनाना है? कतार में हम भी हैं। सही कह रहे हो, पर मैडम हमें क्यों भाव देगी? घर की मुर्गी दाल बराबर जो होती है। मैडम जब लड़के पड़ोस में हो तो ढिंढोरा शहर में क्यों पीटती हो? अरे हमारी जवानी नहीं दिखती क्या तुमको? गेट बंद कर लो, कहीं कुत्ते भौंकते हुए अंदर ना आ जाएं। मतलब हम कुत्ते हैं? कुत्ते बहुत पसंद हैं। क्यों तंग कर रहे हो मैडम को? तेरी मैडम तंग करने का मौका ही कहां देती है हमें। कल्याणी देखना, तेरी मैडम के साथ तुझे भी उठाकर ले जाएंगे हम। कब ले जाओगे? जब तू कहे। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, मैं जाता हूँ। ओ लाला, नौकरी ढूंढ ढूंढ के थक गया, भूखा प्यासा मंदिर की सीढ़ियों पर सो गया। आंखें खोली तो मेरे सामने जूतों और चप्पलों का ढेर लगा हुआ था। इस तरह जूतों का रखवाला बन गया। इसमें से भी वहां का गुंडा आधे पैसे मार लेता है तो भी कोई गम नहीं, खर्चा पानी चल जाता है। आप अकेले ही मंदिर आई? आपके पति और बच्चे घर में हैं? आओ। आपका घर तो महल है, आपके पति और बच्चे कहाँ हैं? वो हैं मेरे बच्चे और मेरे पति, ये हैं। तुम्हारा नाम क्या है? नंद कुमार, लोग नंदू कहते हैं। तुम्हारा घर कहाँ है? अब वो मंदिर ही मेरा घर है।
क्या? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा तो मैं चलता हूँ। कहाँ? अपने मंदिर। आज शनिवार है ना, वहाँ चप्पलों का ढेर लग गया होगा। ये काम अच्छा नहीं है। दूसरा काम कहाँ मिलेगा? काम मैं दूं तो करोगे? बोलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मंदिर। ये दोनों ही कुत्ते हैं। अब मैं चलता हूँ। सुनो नंदू, क्या तुम यहाँ नहीं रह सकते हो? नहीं, घर से डरता हूँ मैं। हर घर वैसे नहीं होते। यहाँ कोई रेशमा नहीं जो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करेगी। तुम अगर यहाँ रहोगे तो मुझे मेंटल रिलीफ मिलेगा। बहुत खुशी होगी नंदू, क्योंकि मैं भी दुनिया में अकेली ही हूँ। पति के शहीद होने के बाद सारे रिश्तेदार मुझसे दूर चले गए। उनकी मौत की वजह वो मुझे मानते हैं, मुझे कलंकिनी मानते हैं सभी। और दूसरी तरफ ये दुनिया के लोग मुझे अकेली औरत को हर समय वासना भरी निगाहों से घूरते हैं। मुझे उनसे बचने के लिए तुम्हारे जैसे मर्द की जरूरत है, नहीं तो ये लोग कल मेरे साथ क्या कर बैठेंगे मुझे नहीं मालूम। किसको बताऊं ये सब? नंदू, काश तुम ये सब समझ पाते। ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ? आज क्या हो गया है मुझे? मैडम, चाय। चाय पीकर जाना। मैडम जी, आशा तुम कब आई? दीदी, इसको कहां से ले आई? मुझे देखते ही घबरा गया। ए, जानते हो अर्चना ने क्या गुल खिलाया? पहले सांस तो ले लो, फिर बता। सुनो तो, अर्चना ने अपने घर में एक जवान लड़का रखा है। यार, तुम रोज ही अर्चना का ही टॉपिक क्यों उठाती हो? और किसका टॉपिक उठाऊं? एक वही तो है जो सज धज कर मोहल्ले के सीधे साधे पतियों को रिझाती रहती है। देखो राखी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है। राखी, मोहल्ले में क्या हो रहा है उस पर ध्यान मत दिया करो। कैसे ना ध्यान दूं? दूसरी पत्नियों को देखो ना, वो अपने पतियों को उससे बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या करती हैं। तुम भी तो मेरे एक ही पति हो, तुम्हें कैसे खो दूं? जानते हो तुम औरतें भी अजीब होती हो। जहां अपने से ज्यादा खूबसूरत औरत देखी तो समझो जलनी शुरू हो गई। बस बस, वो तो परी जैसी सुंदर है ना, तभी तो तुम उसी की ओर देखते रहते हो। देखती हो अभी ये पर्दा कैसे खुलता है। ए, ये बड़ी बड़ी आंखों वाली जादूगरनी होती है, मेरी फूफी कहती थी। ओफो, तुम्हारी फूफी अगर जिंदा होती तो हमारा 100% तलाक हो चुका होता। बंद करो ये फूफी का फंडा। जब भी अर्चना के बारे में बोलती हूँ तो चिढ़ जाते हो। हे भगवान, कहीं ये उसके चक्कर में फंस तो नहीं गए? फूफी, मेरी मदद करना, मैं इन पर उसका जादू नहीं चलने दूंगी। ये मेरा जादू नहीं, तुम्हारा प्यार है जो तुम मेरे पास रहती हो। खैर बताओ, घर पर सब खैरियत है ना? छोटी माँ जी अच्छी है ना? अच्छी है, बहुत अच्छी है वो। बस
दिन रात तुमको ही कोसा करती है। मम्मी ने मुझसे 50 बार कहा अर्चना से मत मिलना। बेचारी मम्मी क्या जाने कि मैं हॉस्टल में नहीं यहाँ रहती हूँ। कभी उन्हें ये बात पता चली तो हॉस्टल का पैसा जो मेरे लिए बच जाता है वो बचना बंद हो जाएगा, यानी कड़की। मैं हूँ ना तेरे साथ, पर समझ में नहीं आता कि मेरे अपनों ने मुझसे मुंह क्यों फेर लिया। मिया जी यहाँ आराम फरमा रहे हैं। देखो मैडम ने तुम्हें काम के लिए रखा है, आराम करने के लिए नहीं। बहुत से काम पड़े हैं, जाओ सबसे पहले गाड़ी साफ कर लो, दूसरा काम बाद में बताऊंगी। नंदू नंदू जाओ जाओ, बड़ी दिल वाली लड़की है। अरे कार चलाना आता है तुमको? जी नहीं, यूं ही। कार चलाना सीखना चाहते हो तुम? वो तो एक हफ्ते में तुम्हें सिखा दूंगी। मुझे ये पसंद नहीं। तुम्हारे अंदर जो सेक्स का फितूर भरा है उससे साफ लगता है कि जो हुआ उसमें गलती रेशमा की नहीं तुम्हारी होगी। मुझे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहां से। मैडम जी, मैंने सच में कुछ भी नहीं किया था। मेरा दोष मेरी गरीबी थी। मैं अनाथ हूं मैडम, उस परिवार ने मुझे बचपन से पाला था। उस परिवार को मैं अपना ही परिवार समझता था। नंदू नंदू, मैंने बुलाया सुना नहीं? ये देखो उस झूले से गिर पड़ी, अब बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा दबा दो ना। मैंने कहा दबा दो ना, फौरन दबाओ वरना डैडी को बुलाऊंगी, सोच लो, देखते क्या हो। दबा दो बोला ना। वहां नहीं,
ये सब अच्छा नहीं लगता मुझे, कह देता हूँ आपसे। जानते हो नंदू चिप चिप कर रेशमा की किताबें पढ़ता रहता है, लगता है वो भी स्कूल में पढ़ना चाहता है। पढ़ाई लिखाई चाहने से नहीं किस्मत से होती है, जैसे कि हमारी बेटी रेशमा की किस्मत में पढ़ना लिखना लिखा है, वो हमारा नाम रोशन करेगी। और ये मत भूलो कि अगर वो पढ़ लिख गया तो फिर वो हमारे घर नौकरी नहीं करेगा। ये लड़का ना जाने किसके पाप का फल है। मैं गाय भैंस की देखभाल के लिए गाँव से उसको ले आया था, इस काम के लिए पढ़ाई की क्या जरूरत है। अरे रेशमा, यहाँ क्या कर रही हो बेटी? मैं वो किताब नहीं, पेन लेने आई थी। आधी रात को तुम पेन लेने आई हो यहाँ? जाओ, जाकर सो जाओ। मम्मी को भी इसी वक्त आना था। नंदू, इधर आओ। आने के लिए बोला ना, वो किताब उठाओ। वो नहीं, बगल वाली। हाँ, यही है, खोलो। और एक पन्ना। नंदू, तुम्हें मैं रोज सपनों में देखती हूँ, कल रात भी देखा। सपने में क्या देखा बताऊँ तुम्हें? बहुत काम है मुझे, मैं जाता हूँ। डरो मत, डैडी मम्मी बाहर घूमने गए हैं। देर से लौटेंगे। नंदू, मैं तुम्हें पसंद नहीं। You stupid! मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ क्या? बिल्कुल नहीं। अरे क्या कर रही हो? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। छोड़ो मुझे, क्यों मार रही हो मुझे? रेशमा, बेटी रेशमा। क्या हुआ रेशमा? क्या हुआ रेशमा? क्या हुआ? क्या हुआ रेशमा? नंदू, नंदू। क्या? क्यों रे? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तो इतना नमक हराम निकला, क्यों रे? हराम ज़्यादा। छोड़ दो। तुमको मार डालूंगा। आप इसे कोई नहीं बचा सकता। छोड़ दो ना। बताता हूँ इसे। बिको। बेटा नंदू, तू यहाँ ना रहे, फौरन यहाँ से भाग जा, नहीं तो वो तुझे मार डालेंगे। क्यों री? अब तेरा दिल ठंडा हो गया ना? इसलिए सबसे डरता हूँ, आपसे भी। रेशमा की तरह और सबको मत समझो, तुम्हें इस घर में कोई कमी महसूस ना होगी। कल्याणी, मैं ड्राइविंग सीखने जा रहा हूँ, मैडम मुझे सिखाएंगी।
नंदू वहाँ क्या कर रहे हो तुम? बोला था ना नीचे जाके काम करो। हेलो मुरारी लाल, उस पर जरा ठीक से नजर रखना। ओके कल मिलो, बोला ना, बाय। ए जरा इधर तो आना। क्या है? अरे यहाँ आओ तो। राखी वहाँ क्या कर रही हो? जानते हो जी, वो जो आशा है ना आशा, वो नंदू के सामने ही अपनी ड्रेस चेंज कर रही थी। मेरी नजर तो अचानक ही चली गई उसके तरफ। जानते हो उसने अपनी जिप नंदू से ही बंद करवाई थी। हाय राम, छी आशा को तो कोई लाज शर्म ही नहीं है। सही कहा ना मैंने? तुम्हें और कोई काम नहीं है? पड़ोसी पर नजर रखती हूँ, ये भी तो काम है। ए आशा ने ऐसा क्यों किया होगा? मुझे नहीं मालूम। मालूम है बताओ ना। आ, 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 इसके लिए समझी? ना समझी हो तो पूरी डिटेल में समझा दूं बीवी जी। बिल्कुल नहीं, मुझे नहा धोकर पूजा करनी है। ये प्रेम भी तो पूजा है, इसके बाद नहा लेना ठीक से। इधर आओ। क्या है? इसे पकड़ो तो। जरा ऊपर उठाओ ना। ये ड्रेस अच्छी लगती है ना, दीदी ने लेकर दी थी मुझे। आशा, खेल कुछ बढ़ता ही जा रहा है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अंदर जाओ, जाओ अंदर। मुझको बाहर जाना है, कार निकालो। चूर चूर कर डाला, चूर चूर कर डाला, चूर चूर कर डाला, चूर चूर कर डाला। ओ लाला, ओ लाला, ओ लाला, ओ लाला, आहा, ना ना ना, ओ लाला, ओ लाला।
lock. You got the power to make my heart stop. Shots are risky, what got the killer? Right now, man, I'm numb, can't feel her. What? बड़ी देर लगा दी तुमने, कहाँ गए थे तुम लोग? हम लोग तो वो कार खराब हो गई थी रास्ते में। खाना बाद में खाना, पहले ये खत पढ़ लो। खत में क्या लिखा था? एक प्रेम कहानी लिखी थी, सुनोगे? माई डियर मैडम जी, घर के काम से मैं उब गई हूँ। वो जो गोपी है ना, वो और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम दोनों एक नई दुनिया बसाने जा रहे हैं। बाय। प्यार जात पात और उम्र नहीं देखता, तुम भी ऐसा ही प्यार करना। क्या देख रहे हो? तुझको ही देख रहा हूँ। तू कौन है? उनका रेफरी है जो देखता रहता है? अरे ओ, तू ड्राइवर है सिर्फ? ड्राइवर, साला ड्राइवर, अपनी औकात मत भूल। इसका पागलखाने में जाने का टाइम आ गया है। थोड़ी ही देर तो खेले हैं, एक और राउंड हो जाए। सॉरी मोनी, अब मूड नहीं है। व्हाई? आई एम वेरी टायर्ड। कहीं कोई तुम्हारा इंतजार तो नहीं कर रहा है? डोंट बी सिली। बाय बाय, कल जल्दी आना। ओके बाय। ये क्या, खेल बहुत जल्दी खत्म कर दिया? आज जी भर कर तुम्हें और तुम्हारा खेल देखने आया था। गोपी, कल्याणी को लेकर छू हो गया, अब सिर्फ मैं अकेला रह गया हूँ। अब तुम क्या चाहते हो? कुछ नहीं आशा,
बस छोटी सी बात समझनी है। ड्राइवर की जरूरत किसको है, अर्चना को या फिर तुमको? हा? अर्चना को, सारे लोग कहते हैं। क्या बोल रहा था वो? तुम अपना काम करो। मैंने कितनी बार कहा है कि कार मत ले जाया करो। तुम कार के लिए बोल रही हो या नंदू के लिए बोल रही हो? आशा, कुछ दिनों से लगातार देख रही हूँ और सुन भी रही हूँ। नंदू से बात करो तो तुम्हें गुस्सा, हंसो तो तुम्हें गुस्सा, और उसे साथ ले जाओ तो तुम्हें गुस्सा। नंदू तुम्हारा ड्राइवर है या तुम्हारा प्रेमी? आशा, जानती थी मुझको जाना पड़ेगा। हॉस्टल से मैं खुद नहीं आई थी, तुम्हें मुझे जोर देकर लाई थी। आइंदा तुम पर बोझ नहीं बनूंगी। आशा मत जाओ, आशा मत जाइए, मैडम जी गुस्से में कुछ बोल गई। सब लोग चले जाओ, मुझे छोड़कर कोई नहीं चाहिए। कल्याणी भी भाग गई, अब आशा भी गई। तुम भी जाना चाहते हो? आशा मेरे सारे रिश्ते नातों की आखिरी कड़ी थी। नंदू वो मेरी सौतेली माँ की बेटी थी, तो भी मैंने उसे सगी बहन ही माना। डैडी की मौत के बाद उस घर से मेरे सारे रिश्ते खत्म हो गए, लेकिन आशा को मैं अपने से दूर न कर सकी। पर आज ये आखिरी रिश्ता भी टूट गया। आशा भी कम नहीं थी, वो नंदू के साथ मौज उड़ाती थी। जब अर्चना को पता लगा तो हो गई महाभारत, और होती भी क्यों नहीं, अर्चना ही तो लाई थी नंदू को और हाथ मार दिया आशा ने। ऐसा हुआ था? ऐसा तो होना ही था। अरे वो एक जग जाहिर कहावत है ना, एक मियान में दो तलवार कहीं रहती है। ओहो नहीं, सच बता रही हूँ तुम्हें। अर्चना का भी नंदू के साथ कुछ ना कुछ चक्कर जरूर है। चलती हूँ मैं। जब माँ ने मेरी शादी तुम्हारे साथ पक्की की थी, तब मेरे पिताजी ने मेरी माँ से कहा था कि गांव की गंवारू लड़की से रिश्ता मत करो। आज लगता है कि वो सच ही बोले थे। क्या बात है शहर की, यहाँ के लोगों की। मेरी फूफी एक बात सही कहती थी, शहर के मर्द से गांव की गर्द भली होती है। नंदू तुम्हें खाना नहीं खाना? कब तक कसरत करोगे? जाकर अब खाना खा लो। जी खाना। अच्छा ठीक है, मैं यहीं लेकर आती हूँ, ठीक है? नंदू, नंदू ट्यूब नहीं जल रहा है, जरा देखो तो। हम्म,
होशियारी से। स्विच ऑफ कीजिए, अब ऑन कीजिए। नंदू, तुम रो रहे हो, क्या हुआ तुम्हें? यहां मैं नहीं रहूंगा। मगर क्यों? मुझसे पाप हुआ है, बहुत बड़ा पाप। नहीं, इसे पाप मत बोलो नंदू। ये हमारी वो भूल थी जो शायद हम दोनों ही करना चाहते थे। जो हुआ तुम भी वही चाहते थे। नहीं। क्या? अगर ऐसा नहीं था तो तुम मुझे नहाते समय और कपड़े बदलते समय छुप छुप कर नहीं देखते। इसमें कुछ गलत नहीं था। ये एक अट्रैक्शन होता है, इसलिए शायद मैं भी तुम्हें देखती थी। हुआ वही है जो हमारे मन में था। मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की पर रोक नहीं पाई। तुम जानते हो मेरी शादी 3 साल पहले हुई थी आर्मी के एक जांबाज कैप्टन मनोज के साथ। सुहागरात इंसान के जीवन का बड़ा ही अहम और खूबसूरत हिस्सा होता है। वो चाहे कोई आम इंसान हो या मुझ जैसा आर्मी ऑफिसर, सभी इस रात के लिए बेचैन रहते हैं। इस रात में दो आत्माओं का मिलन होता है, दो अलग अलग जिस्म मिलकर एक होते हैं और अपनी जिंदगी एक दूसरे के नाम कर देते हैं। क्या है अर्चना, मैं एक फौजी आदमी हूं जिसका वास्ता जिंदगी से कम, जंग से ज्यादा रहा है, पर मेरा तुमसे वादा है कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। व्हाट? तुम रो रही हो? I'm sorry. वो What happened? क्या बात है? वो मुझे 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 3 दिन तक मेरे लिए ठीक नहीं। Please. Ah.
अच्छा ये बात है, इट्स ओके। अर्चना, हमारा मिलन एक दिन के लिए नहीं, सारी जिंदगी के लिए है। इसके लिए तुम आंसू क्यों बहा रही हो? ए, आज नहीं, 3-4 दिन बाद हम सुहागरात मनाएंगे। ए, छोटी सी बात है ये, चलो आराम से सो जाओ। That's good. Good night. शादी हुए सिर्फ 3 दिन बीते हैं मेरे दोस्त, मुझे कम से कम 1 हफ्ते के लिए माफ कर दो। ओके ओके, अगले हफ्ते मैं अपनी श्रीमती जी के साथ आऊंगा, फिर बातें होंगी। ओके, सी यू। सर, आपका टेलीग्राम। क्या है? मुझे फौरन फ्रंट पे जाना होगा। हाँ, ये क्या, तुम रो रही हो? मुझे जाना पड़ेगा, मैं जल्दी वापस आऊंगा। वो वापस नहीं आए, उनकी जगह आई उनके शहीद होने की खबर। उनकी मौत के बाद मैंने अपनी सारी चाहतों को दफन कर दिया था, पर आज जो हुआ उससे वो उमंगे फिर से जाग गई हैं, फिर से। मैंने अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया, भूल से ही सही, पर हम दोनों अब दो जिस्म एक जान बन चुके हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो तो चले जाओ। पर तुम्हारे जाने के बाद मैं एक पल भी जिंदा नहीं रहूंगी। आओ नंदू, क्या हुआ, आओ ना। नंदू, क्या हुआ नंदू, क्या हुआ नंदू, नंदू, नंदू?
आजकल सारा तूफान घर के भीतर ही मचा लेती हो, जरा सोचो तो। सब कुछ ड्राइवर पे लुटा दोगी तो हमारी जवानी का क्या होगा जाने मन। एक हसीन रात कभी हमारे नाम भी कर दो। लगता है घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। कहाँ जा रहे हो? अभी आता हूँ। ए नंदू! बोल कुत्ते, क्या बोल रहा था? साले जब मैं बोलूंगा तो तेरी मैडम चीख पड़ेगी। मैंने तुम्हें रोका था, है ना? तुम क्यों डरती हो? मैं भला क्यों डरूं? अगर तुम मेरे साथ हमेशा हो, मैं किसी से भी नहीं डरूंगी। डर तो तुम्हारे लिए है मुझे। कोई तुमको मुझसे छीन ना ले, बस यही डर लगता है। तुम्हारे बदन पर पड़े ये मार के निशान मेरे दिल के घाव बन गए हैं। तुम मुझसे इतना प्रेम करती हो? तब तो अगर मैं चला जाऊं? तुम जाओगे? फिर क्या, जाना तो होगा ही। मुझे नौकरी करनी पड़ेगी और अपने योग्य लड़की पकड़कर कल अपना घर भी तो बसाना होगा। नहीं, तुम नहीं जाओगे। मैं जरूर जाऊंगा। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते हो तुम। कभी नहीं जाओगे। You cheat, you creep, no, मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। नहीं, 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 कभी नहीं जाओगे। मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकते हो। कभी नहीं। नंदू, मैं क्या क्या लाई हूँ देखो तो। क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? अर्चना,
इट वॉज वेरी वेरी सैड एक्सपीरियंस। वक्त ने एक जिंदा इंसान को स्वर्गवासी बना दिया। अर्चना, जिस वक्त बॉर्डर पर जंग हो रही थी, मैं लड़ते हुए बॉर्डर क्रॉस कर गया और जहां दुश्मनों ने मुझे कैद कर लिया था, अब गवर्नमेंट बदलने पर मुझे छोड़ दिया गया। फौरन प्लेन पकड़ा और तुम्हारे पास आ गया। अर्चना, तुमको याद है ना हमारी सुहाग रात, जो अधूरी है। जब भी सोचता था मैं तो हंसता था। कहां बात 3 दिनों की थी, मगर पूरे 3 साल बीत गए, है ना? इन 3 सालों में तुमसे 1000 बार मिला था, मगर अपने सपनों में। हाँ सच अर्चना, सपने में अगर तुम मेरे साथ ना होती तो शायद मैं मर ही गया होता। पर तुम्हारा प्यार मुझे तुम्हारे पास खींच ही लाया अर्चना। नो अर्चना, अर्चना क्या हुआ? मुझको न जाने क्या हो गया है। ओ, मैं भी पागल हूं, जान ही नहीं पाया कि तुम अभी भी जुदाई के गम में डूबी हो। आई एम सॉरी, समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल फिल्म स्टार सैफू की शादी की दूसरी शादी बड़े ही धूमधाम से संपन्न हो गई। इस शादी में सैफू के बच्चों ने भी बड़े हर्षोल्लास के साथ भाग लिया। किसी भी बच्चों के लिए वो बड़ा ही दुर्लभ मौका होता है जब वो अपने माँ या पिता की शादी में शामिल हो। ये समाचार बंद क्यों कर दिया? मैं खबरें सुन रहा था। मैं आपको एक ताजा खबर सुनाती हूँ, अर्चना का पति वापस आ गया। हाँ, मरा हुआ पति जिंदा हो गया है। अब देखना क्या क्या गुल खिलते हैं। नंदू के साथ बहुत ऐश की है उसने। ये बात पति को मालूम पड़ेगी तो देखना। मैं कहती हूँ ऐसी विश्वासघाती पत्नी को तो जमीन में गाड़ देना चाहिए। बदतमीज औरत, गाड़ तो तुझे देना चाहिए। अरे अर्चना ने तो एक नंदू के साथ प्यार किया है, यदि तुम बेसहारा होती तो पता नहीं कितनों को ढूंढती और लोग तुम्हें राखी की जगह रखेल कहते। नंदू, अब क्यों आई हो यहाँ? तुम्हारा पति तो वापस आ गया है ना, जाओ उसी के पास, उसी से जी भरकर प्यार करो। मैं चला जाऊंगा। मैं चला जाऊंगा तुम्हारी जिंदगी से। नंदू नहीं, बात मत करो। तुम मुझसे यही कहने आई हो ना कि मैं चला जाऊं? ये कैसी बात कर रहे हो नंदू? अब मेरी क्या जरूरत है, पति आ गया है ना, भूल जाओ मुझे, भूल जाओ। ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। झूठ मत बोलो अच्छू, तुम भूल चुकी हो मुझे, तभी तो तुम दोनों हर समय कमरे में बंद रहते हो। कैसे बताऊं नंदू, मैं कमरे में उनके साथ रहती हूँ लेकिन मेरा मन हमेशा तुम्हारे पास होता है। नंदू, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और तुम मेरे, हम कभी अलग नहीं हो सकते। अच्छा मैं चलूं।
इसी वक्त यहां से दफा हो जाओ। अब कभी दोबारा इस शहर में दिखा तो शूट कर दूंगा तुझे। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अपनी मौत से डर। निकल जा यहाँ से, नहीं तो मर जाएगा तू। मैं अच्छू को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। अच्छू बोला? रास्कल, कमीने, तेरी ये जुर्रत? अच्छू। नंदू कहाँ है? मैं पूछ रही हूँ, नंदू कहाँ है? नंदू को मैंने निकाल दिया है। What? किससे पूछकर निकाला? मैं मालिक हूँ इस घर का, इसके लिए मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। नंदू तुम्हारी जागीर नहीं, मेरा है वो। अर्चना, ये मत भूलो कि तुम किसी और से नहीं अपने पति आर्मी कैप्टन मनोज से बात कर रही हो। नो, मेरा पति कैप्टन मनोज मेरे लिए 3 साल पहले ही मर चुका है। यू आर डेड। तुमने मेरे गले में सिर्फ मंगलसूत्र पहनाया था, पर मेरे मन में पति के रूप में नंदू बसा है। नॉट यू। नंदू मेरी जिंदगी है, मेरी धड़कन है। बताओ वो कहाँ है? मुझे मालूम है तुमने मेरे नंदू को मार दिया होगा। तुम हत्यारे हो, यू आर ए किलर। हाँ, तुम यही समझ लो, आई एम ए किलर। उसकी लाश मुझको दिखा दो प्लीज। दिखा दो, मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। ठहरो, नंदू अकेला नहीं मरेगा, मैं भी उसके साथ मरूंगी, याद रखो। गए थे? अपने अच्छू को छोड़कर कैसे चले गए थे? बताओ ना नंदू, बताओ। तुम इस तरह चुप क्यों हो नंदू? मैं फौजी आदमी हूं, बेवजह किसी की हत्या करने वाला हत्यारा नहीं हूं। फौजी कमिटमेंट के पक्के होते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे नंदू को वापस ले आया। एक और कमिटमेंट मैंने तुमसे किया था, तुम्हारे साथ 7 फेरे लेकर तुम्हारे गले में मंगलसूत्र पहनाकर। अर्चना, आज तुम एक ऐसे दोराहे पर खड़ी हो जहां एक तरफ तुम्हारा पति है तो दूसरी तरफ तुम्हारे बच्चे का पिता है। यह वक्त तुम्हारी जिंदगी में मेरी वजह से आया है, क्योंकि 3 साल तक मैं तुम्हारी नजरों में मर चुका था। इसलिए अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे के साथ अपनाने को तैयार हूं, नहीं तो तुम अपने नंदू के साथ जा सकती हो। दोनों में से कौन तुम्हें चाहिए, यह फैसला तुम्हें अभी करना होगा।
दोनों में से कौन चाहिए ये फैसला तुम्हें अभी करना होगा। मेरा पति यू आर डेड। किसी की जागीर नहीं होती।